गुड मॉर्निंग क्लास नाइन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेवन का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, इसका लास्ट दो क्लासेस में हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं और आज हम लोग प्लांटिंग में जो डिफरेंट ग्रुप्स है उसके बारे में सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप जो है थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, देन पैट्रिडोफाइटा, देन जाइनोस्पर्म्स, देन एंगियोस्पर्म्स। तो ये जो पांच ग्रुप है इसको किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में जानेंगे। इस ग्रुप में कौन कौन से प्लांट्स आता है, एक दो करके एग्जांपल्स उसके बारे में जानेंगे। ओके, सो पहला टॉपिक जो है आज प्लांटी, इसको हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन क्यों किए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसको किसके बेस पे हम लोग फिर से क्लासिफाई किए हैं। तो द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स डिपेंड्स ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। तो प्लांटी ग्रुप को फिर फर्स्ट लेवल पे जो डिफरेंशिएट किया गया है ये उसके ऊपर बेस करके कि डू हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, यानी कि इसके प्लांट बॉडी का अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो है वो है या हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी और डू नॉट हैव, यानी कि डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी है या नहीं है, इसके ऊपर बेस करके इसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड किए। तो फर्स्ट लेवल है कि डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी है या नहीं है। द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएट डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर द डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस विद इन इट। तो उसके नेक्स्ट लेवल जो है उसमें स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू है या नहीं है, यानी कि वाटर को एक बॉडी पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फिर अदर कंपोनेंट्स जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके पास स्पेशल वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं है। कुछ प्लांट्स के पास है, कुछ प्लांट्स के पास नहीं है, तो उसके ऊपर बेस करके उसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई किए हैं, विदाउट स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू एंड विथ वास्कुलर टिश्यू। ओके, फर्दर क्लासिफिकेशन लुक्स एट द एबिलिटी टू बियर सीड्स एंड वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स। तो नेक्स्ट लेवल का जो क्लासिफिकेशन है उसमें कौन सा सीड प्रोड्यूस करता है, कौन सा नहीं करता। तो डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, कुछ प्लांट्स है जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करता है उसको एक ग्रुप में हम लोग डाले हैं, दूसरा प्रोड्यूस कर सकता है सीड्स को उसको अलग ग्रुप में डाले हैं। अब जो सीड प्रोड्यूस करता है क्या वो फ्रूट के अंदर रहता है या फ्रूट के बाहर रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करके फर्दर उसको क्लासिफाई किया गया है, बियर नेकेड सीड्स और बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट्स, यानी कि नेकेड सीड्स को ही सिर्फ बियर करता है या फिर फ्रूट्स को बियर करता है जिसके अंदर सीड्स रहता है। ओके, फिर ये जो बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट्स इसको फर्दर आपका क्लासिफाई किया गया है। ओके, इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि जो सीड है टू कॉटिलेडन्स वाला या फिर हैव ओनली वन कॉटिलेडन्स, अगर एक ही कॉटिलेडन्स है तो उसको हम लोग मोनोकोट्स कहते हैं और अगर टू कॉटिलेडन्स है कोई सीड में तो उसको हम लोग डाइकोट्स कहते हैं। ओके, तो ये है टोटल क्लासिफिकेशन प्लांटी का। तो फर्स्ट जो है थैलोफाइटा, फर्स्ट जो है थैलोफाइटा, तो इसमें इस चार्ट को देख के हमें समझ में आ जाता है कि प्लांट्स जो कि डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी नहीं है उसके पास और उसी को हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। तो जिस प्लांट्स के पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं होता है बस उसी तरह की प्लांट्स इस कैटेगरी में आता है। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गाई। तो जो एल्गाई है बेसिकली इसी ग्रुप में आता है, इस तरह की प्लांट्स जो है थायरोफाइटा जो है थैलोफाइटा जो है। दिस प्लांट्स आर predominantly aquatic, examples are Spirogyra, Alteryx, फिर Caldofranda,
एंड चारा. ओके, तो ये जो सारे प्लांट्स है, ये प्लांट्स बेसिकली इस कैटेगरी में आता है. कौन सा? थैलोफाइटा. ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है सेकंड ग्रुप. सेकंड ग्रुप है ब्रायोफाइटा. ओके, सो ब्रायोफाइटा जो है, दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. तो प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस ग्रुप में ये आता है. एम्फीबियंस मतलब आप लोगों को पता होगा, एम्फीबियंस किसको कहते हैं? जो वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है, जो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकता है, उस तरह के एनिमल्स को, जैसे कि फ्रॉग, इसको हम लोग एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं, राइट? तो इस तरह के प्लांट्स आप समझ ही रहे हो कि ये भी शायद वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है और लैंड पे भी सर्वाइव कर सकता है. द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. तो ये जो प्लांट है, ये डिफरेंशिएटेड है स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ. ओके, हाउएवर देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर. तो इसके पास स्टेम जैसा बॉडी पार्ट्स तो है, लीव्स जैसा बॉडी पार्ट्स भी है, लेकिन इसके पास वो वास्कुलर टिश्यू नहीं है जिससे ये वाटर को या अदर जो कंपोनेंट्स है उसको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर सके. एग्जाम्पल्स आर मॉश एंड मार्चेंटिया. ओके, तो ये एग्जाम्पल्स है ब्रायोफाइटा का. नेक्स्ट आता है हमारा जो थर्ड ग्रुप है प्लांटिया का, पैट्रिडोफाइटा. इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स. तो ये जो ग्रुप है, इसमें प्लांट्स बॉडी का बहुत सारा पार्ट्स होता है. पहला तो रूट्स भी होता है इसके पास, स्टेम होता है, लीव्स होता है, और इसके साथ हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर. तो इसके पास स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू भी होता है जिससे ये क्या करता है, वाटर के साथ अदर कंपोनेंट्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एक जगह से दूसरे, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा सकता है. सम एग्जांपल्स आर मार्सलिया, फर्न्स एंड हॉर्स टेल. तो ये सारे एग्जांपल्स है. द थैलोफाइट्स, द ब्रोफाइट्स एंड द पेट्रिडोफाइट्स हैव नेकेड एम्ब्रायोज दैट आर कॉल्ड स्पोरेस. तो ये जो तीन ग्रुप के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं, इसके पास नेकेड एम्ब्रायोज रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्पोरेस के नाम से जानते हैं. द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट इन ऑल दिस थ्री ग्रुप्स आर वेरी इनकॉन्स्पिसियस. ओके, वेरी इनकॉन्स्पिसियस एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड क्राइप्टोगैम और दोज विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो इसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम पे बस यही स्पोर्स जो है, यही है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. इसी से दूसरा प्लांट्स जो है इसका, दूसरा प्लांट्स इसी से जन्म लेता है, और इसको हम लोग हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है इस प्लांट्स का, तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ऑन द अदर हैंड, प्लांट्स विथ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनेरोगम्स. तो जो प्लांट्स जिसके पास अच्छे मतलब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होता है, जिसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उस तरह की जो सीड्स वो प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग कहते हैं फेनेरोगम्स. सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. तो वो जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है उसका रिजल्ट होता है सीड्स. दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रायो अलोंग विथ स्टोर्ड फूड विच सर्व्स फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रायो ड्यूरिंग जर्मिनेशन. तो ये जो सीड जो होता है, उस सीड के अंदर एम्ब्रायो रहता है और उसके साथ साथ फूड स्टोर किया हुआ रहता है सीड के अंदर. ओके, जब जर्मिनेट होता है वो सीड, उस टाइम वो स्टोर्ड फूड जो है वही उस जर्मिनेट करने के बाद उसका ग्रोथ, जो इनिशियल ग्रोथ होता है उसी फूड से होता है. दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड्स आर नेकेड और इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स.
giving us two groups, gymnosperms and angiosperms. तो इसके बाद ये जो सीड होता है, ये सीड नेकेड है या फ्रूट के अंदर है, इसके ऊपर डिपेंड करके फर्दर दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. ओके, तो पहला ग्रुप्स जो है वो है जाइमोस्पर्म्स एंड दूसरा ग्रुप जो है एंजियोस्पर्म्स. तो ये दो ग्रुप है. तो इसका पहला ग्रुप जो है जाइमोस्पर्म्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं. दिस टर्म इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. तो ये जो जाइमोस्पर्म्स है ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है. जाइमो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड. तो जाइमनो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड. तो ये दो ग्रीक वर्ड जोड़ के जाइमोस्पर्म्स एक वर्ड हमें मिला है जो कि इस ग्रुप का नाम है. द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड्स एंड आर यूजुअली प्रीनियल एवरग्रीन एंड वुडी. एग्जाम्पल्स आर पाइन्स एंड ड्योडर. तो ये जो प्लांट्स ग्रुप है, इस ग्रुप में बेसिकली प्लांट्स के पास जो सीड होता है वो नेकेड सीड होता है और ये प्लांट्स एवरग्रीन प्लांट्स के अंदर आता है, यानी कि सारे लीव्स एक बार में नहीं झड़ जाता, इसका थोड़ा थोड़ा लीव्स गिरता है. तो ये प्लांट्स हमेशा ग्रीन लीव्स इस प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है. ओके, और ये प्लांट्स वुडी भी होता है, यानी कि लकड़ी मिलता है इस तरह के प्लांट्स से. तो एग्जाम्पल्स के तौर पर आप पाइन्स ड्योडर को ले सकते हैं. नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा वो है एंगियोस्पर्म्स. दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. तो ये जो एंगियोस्पर्म्स है ये भी दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है. एंगियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सेड. तो एंगियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सेड्स. तो कवर्ड सेड. ओके, द सेड्स डेवलप इनसाइड एन ऑर्गेन विच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट. तो ये जो सीड है ये एक ऑर्गेन के अंदर मॉडिफाइड एक ऑर्गेन है जिसके अंदर रहता है, जिसको हम लोग फ्रूट के नाम से जानते हैं. दिस आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. तो इस प्लांट्स को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि फ्लावर अगर प्लांट्स में होता है तभी उस फ्लावर से सीड आता है और उसी सीड फ्रूट्स आता है और उसी फ्रूट्स के अंदर सीड रहता है. प्लांट एम्ब्रियोज प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलेडन्स. तो ये जो प्लांट एम्ब्रियोज है सीड्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम लोग कॉटिलेडन्स कहते हैं. कॉटिलेडन्स के बारे में आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं, क्लास 7 में आप लोग पढ़ चुके हैं कॉटिलेडन्स के बारे में. कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स बिकॉज इन मेनी इंस्टेंसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट्स. तो इस कॉटिलेडन्स को सीड लीव्स भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि जब ये जर्मिनेट्स होने लगता है वो सीड, तो ये जो कॉटिलेडन्स है ये भी ग्रीन होने लगता है. दस कॉटिलेडन्स रिप्रेजेंट अ बीट ऑफ प्री डिजाइंड प्लांट इन द सीड. तो ये जो कॉटिलेडन्स है ये प्लांट किस तरह की होगा, प्री डिजाइन मतलब पहले से पता चल सकता है आपको ये कॉटिलेडन्स देख के. ओके, द एंगियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स प्रेजेंट इन द सीड. तो ये एंगियोस्पर्म्स जो है इसको फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, किसके ऊपर बेस करके, कि उसके अंदर कॉटिलेडन्स कितने हैं. ओके, सीड के अंदर कॉटिलेडन्स कितने हैं उसके ऊपर बेस करके इसको फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है. प्लांट्स विथ सीड्स हैविंग अ सिंगल कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडोनियस और मोनोकॉट्स. तो जो सीड जिसके पास सिर्फ सिंगल कॉटिलेडन है उसको हम लोग मोनोकॉटिलेडोनियस और मोनोकॉट्स के नाम से जानते हैं. प्लांट्स विथ सीड्स हैविंग टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स. तो जो कॉटिलेडन्स के पास जो प्लांट सीड के पास दो कॉटिलेडन्स होता है उसको हम लोग डाइकॉट्स के नाम से जानते हैं. ओके, तो ये टोटल हमारा 5 ग्रुप्स है. तो फिर से मैं एक बार यहाँ से रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को. प्लांट्स को हम लोग दो ग्रुप में क्लासिफाई किए हैं. एक तो हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी,
यानी कि डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी अगर है तो उसको हम लोग एक ग्रुप में डाले हैं, एंड द अनदर वन इज डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं है। अब जिसके पास डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं है उसको हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा, जो कि इस ग्रुप का पहला, ओके तो थैलोफाइटा हमारा पहला ग्रुप है। नेक्स्ट, जिसके पास डिफ्रेंशिएट प्लांट बॉडी है उसको हम लोग फर्दर दो ग्रुप में क्लासिफाई किए हैं, एक तो विथ वस्कुलर टिश्यू, जिसके पास वस्कुलर टिश्यू है यानी कि वाटर या अदर जो मटेरियल्स है उसको एक जगह से दूसरे, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में अगर ट्रांसपोर्ट कर सकता है तो उसको हम लोग एक ग्रुप में डाले हैं, एंड अनदर वन विदाउट स्पेशलाइज वस्कुलर टिश्यू उसको अलग ग्रुप में डाले हैं, जिसको हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड ग्रुप, ओके ब्रायोफाइटा। अब जिसके पास वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है उसको हम लोग फर्दर दो ग्रुप में क्लासीफाई किए हैं, ओके द पहला वन इज प्रोड्यूस सीड्स, जो कि सीड प्रोड्यूस करता है, इस तरह के प्लांट्स को एक ग्रुप में डाले हैं, और जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता है, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, उसको अलग ग्रुप में डाले हैं। अब जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता है उस प्लांट्स को हम लोग कहते हैं पेट्रियोडोफाइटा, ओके पेट्रियोडोफाइटा जो है यह हमारा थर्ड ग्रुप है। नेक्स्ट, जो सीड प्रोड्यूस कर रहा है उसको फर्दर हम लोग दो ग्रुप में क्लासिफाई किए हैं, ओके जो कि बियर नेकेड सीड्स, जिसके पास सीड तो है लेकिन नेकेड सीड है, ओके यानी कि फ्रूट इसके पास नहीं होता है, बस ओपनली सीड रहता है, तो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं जाइमिनोस्पर्म्स, ओके तो ये ग्रुप जो है हमारा जाइमिनोस्पर्म्स। नेक्स्ट, जो दूसरा रह गया वो है सीड जो है वो फ्रूट्स के अंदर रहता है, बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट्स, तो इसको हम लोग कहते हैं एंगियोस्पर्म्स, ओके अब ये जो एंगियोस्पर्म्स है इसको फर्दर दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, एक तो जिसके पास कॉटिलेडन्स एक है उसको हम लोग मोनोकॉट कहते हैं, और जिसके पास दो कॉटिलेडन्स है उसको हम लोग डाइकोट्स कहते हैं, ओके तो ये हमारा फाइव ग्रुप्स जिसमें हम लोग प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं, ओके तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, इसको आप लोग खुद से करने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके और कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछेंगे मुझसे। और यहाँ पे तीन क्वेश्चंस आप लोगों को मिला है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिविजन एमंग प्लांट्स हैज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, द सेकेंड वन इज हाउ आर पेट्रिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम द फेनर्गम्स, थर्ड वन इज हाउ डू जाइमिनोस्पर्म्स एंड एंगियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो थ्री क्वेश्चन है ये आपको क्लास वर्क में कंप्लीट करने हैं, ओके सो स्टूडेंट्स फॉर टुडे बाय, हैव अ गुड डे।